हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ तवा पुलाव एकदम मुंबई स्टाइल में कैसे बनता है उसकी आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। और साथ में ये तवा पुलाव रेस्टोरेंट से कैसे पार्सल करके मिलता है ना, उसका भी टिप्स हम ये वीडियो में शेयर करेंगे। जो अपना बिजनेस होममेड फूड का चला रहे उनके लिए तो एकदम बेस्ट वीडियो है। और जैसे कि बच्चों को भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चाहिए ना प्रेजेंटेशन, सेम वैसा ही मिलेगा, तो आप बच्चों को भी सरप्राइज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ 4 से 5 गिलास पानी उबालने के लिए रख दिया है। और मैंने पहले से ही 2 कटोरी चावल को 10 से 15 मिनट पहले धोकर भिगोकर रख दिया था, ताकि हमारे चावल अच्छे से पिक चुके हैं और उबलते हुए पानी में हमारे भिगे हुए चावल डाल देंगे। साथ ही में इसमें 1 चम्मच जीरा, 8 से 10 लौंग, 8 से 10 काले मिर्च और 2 साबुत हरी इलायची ले लेंगे। साथ में 2 से 3 तेज पत्ता भी ले लेंगे और स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, ताकि चावल हमारे पूरे फ्लेवरफुल बन जाए। इसे 4-5 मिनट तक हम अच्छे से पका लेंगे। और एकदम हमें इसे गलाना नहीं है, चावल को हमें जैसे कि दानेदार ही रखना है। चावल हमारे ठंडे हो रहे तो हमने यहाँ पर तवे में 2 बड़े चम्मच बटर और 1 चम्मच मैंने घी ले लिया है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट को सौते करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैं बिना प्याज लहसुन वाला तवा पुलाव बना रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर प्याज और लहसुन भी ले सकते हो। अदरक और हरी मिर्च अच्छे से सौते हो चुकी है, तो 1 कटोरी लंबे स्लाइस कट किए हुए गाजर और 1 कटोरी मैंने पत्ता गोभी ले ली है। आप इसमें अपने मनपसंद की सब्जियां ले सकते हो। ये सब्जियां थोड़ी सी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब 1 कटोरी मैंने शिमला मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और सब्जियों के हिस्से का हम नमक ले लेंगे और इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर को भला हम कैसे भूल सकते हैं, तो मैंने 1 कटोरी टमाटर भी ले लिए है। और टमाटर को भी ये सारी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही में 2 चम्मच पाव भाजी मसाला। भाई तवा पुलाव बन रहा है तो पाव भाजी मसाला ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इन सारी सब्जियों को हमें अच्छे से कुक करना है। साथ में आप यहाँ पर मटर भी ले सकते हो, स्वीट कॉर्न या फिर बेबी कॉर्न्स भी ले सकते हो। यहाँ पर अच्छा कलर देने के लिए मैंने 2 चम्मच बीट को कद्दूकस करके लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर लाल मिर्च की पेस्ट भी ले सकते हो, और कई जगह पर इसमें कलर भी डाला जाता है, तो हम फूड कलर और लाल मिर्च को स्किप करके बीटरूट का यूज़ किया है। और इसे हम पाव भाजी मैशर से मैश कर लेंगे, ताकि हमारी सारी सब्जियां एकदम सॉफ्ट हो जाए और एकदम हमें गलानी भी नहीं है। सारी सब्जियां अच्छे से मैश हो चुकी है, तो हमारे पहले से उबले हुए चावल को इसमें ऐड कर देंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। और देखिए, चावल भी हमारे फ्लेवरफुल है और सारी सब्जियों में भी बहुत अच्छा मसाला है, तो इसका टेस्ट बहुत ही जोरदार बन गया है। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिख रही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही आसान सी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ऐसे कंटेनर आपको लोकल में कहीं पर भी मिल जाएंगे, साथ में इसका लेड भी मिल जाएगा। और देखिए, हमने इसे किस तरह से एकदम अच्छे से पैक कर दिया हो, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट से आपने मंगवाया हो। तो घर पर भी आप इस तरह से पैकिंग करके सबको सरप्राइज कर सकते हो, और वाह वाह तो मिलनी ही मिलनी है। और देखिए दोस्तों, कितना अच्छा दिख रहा है ना, जैसे कि आपने कोई रेस्टोरेंट से मंगवाया हो। साथ में टमाटर और नींबू को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और रायता तो बनाना बनता ही है। ये सारा कॉम्बो बनाकर देखिए, बहुत ही जोरदार लगेगा दोस्तों। और ऐसा प्रेजेंटेशन जो घर से बिजनेस कर रहे उनके लिए तो बेस्ट है। तो मैं पारुल जल्दी से मिलूंगी और नई रेसिपी के साथ। हैप्पी कुकिंग, एंजॉय।